माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेबीज हैच हो चुके हुए हैं, वो कितने प्यारे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। व्लॉग देखने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। पिजन्स का भी हमारा बाजरा पड़ा हुआ है, मुर्गियों की भी बहुत थोड़ी सी फीड बस रह गई हुई है, और पानी जो है वो रोज़ की तरह चेंज करने वाला है। और देख सकते हैं आप हमारे काफ़ी पिजन जो हैं वो नीचे फिर रहे हैं, ये चक्कर हैं। तो हम जो है ना वो अपना कैन भरते हैं और सबसे पहले जो है ना इनका पानी चेंज करते हैं सबका, और देखते हैं बजीज को दाना की और ज़रूरत है या नहीं। गाइस ये चक्कर है, इन्होंने ये मुर्गियाँ बेसिकली इस केज के ऊपर बैठती हैं और ऊपर से बैठे करती हैं, और पानी की हालत देखें और वाटर फिल्टर की। ये धोने के लिए, निकालने के लिए मैं केज खोला तो मुर्गियाँ चेक करें, अंदर जाके सिल्वर पॉलिश का खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जबकि बाहर आप देख सकते हैं कि अभी शीत पड़ी हुई है। आ जाओ सिल्वर पॉलिश, बाहर आ जाओ, अभी तुम्हें कोई नहीं कुछ कहेगा, अभी मैं भी इधर हूँ। तो हम जो है ना सबसे पहले इनकी कनाली को साफ करते हैं, जिसको साफ़ करने का फायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने दो सेकंड बाद फिर गंदी कर देनी है। और फ्रेश पानी डाल देते हैं, तो चेक करें सिल्वर पॉलिश दोबारा खुद ही अंदर चले गए हैं, मुर्गियाँ भी अंदर जा रही हैं आ रही हैं। बंटी सुबह सुबह जो है वो सारों की वर्दिश करा रहा है, इसलिए देखें डर के सारे देखें मेरे पास फिर रहे हैं। बंटी बंटी बाद आ जाओ, तुम ना साथ लेके इन्हें भी सबको ठहर जाओ, तो मैं बताता हूँ, तुम्हें पता ना फिर तुम्हें मार पड़ेगी मेरे से। तो है ना हम करते हैं कि चलो फिलहाल के लिए है ना इनको खुला छोड़ देते हैं, सिल्वर पॉलिशों को भी अपने, क्या पता इनकी लड़ाइयाँ कम हो ही जाएं बाकियों के साथ। और हम जो है ना ये वाटरिंग वाला हीटर बाहर रखते हैं, अपना वाटर कैन उठाते हैं और हमारे बर्ड एवियरी में भी पानी चेंज करने वाला है तो वो चेंज करते हैं हम करते। गाइस ये चेक करें, रोज़ की तरह हमारा होमर पिजन जो है ना वो फ्रेश पानी पीने आया है, अभी मैंने पानी डाला भी नहीं है तो पहले पीने आ जाता है ये। वो हमारी हीर भी आई है पानी पीने जी, वो ब्लैक लक्का भी आ रहा है पीछे पीछे। ये होमर पिजन की ना हमारे से लगता है थोड़ी बहुत ही दोस्ती हो गई है, ये जो है ना रोज़ आता है पानी पीने, जैसे ही हम कैन लेके आते हैं ना साथ ही आ जाते दौड़ा दौड़ा, इसे पता है अब हमें ताज़ा पानी मिलेगा। बेटे खाओ खाओ, ये बाजरा जब तक मुकान ही ना देते तुम्हें अगला दाना नहीं मिलना। गाइस मैं दाना डाल के जाता हूँ, उसके कोई 2 से 3 मिनट बाद सब गायब होता है, बीच में से सिर्फ बाजरा पड़ा रहता है। ये अब देखें कल की मैंने इनको फीड डाली हुई है, बीच में 2-3 मिनट बाद सब गायब हो गया था और बाजरा रह गया था, और बाजरा अभी तक पड़ा हुआ है। ये बाजरा खाते रहेंगे आराम से आज दोपहर तक, शाम तक जो है ना बाजरा, फिर जब थोड़ा सा रह जाएगा फिर इनको नई फीड डालूंगा मैं। तो गाइस बजीज की फीड जो है वो मैंने साफ़ कर दी है, और इसको साफ़ कर रहा था तो यहाँ से जो है ना एक कबूतर, ये वो ये अंडे का छिलका है, ये अंडे का छिलका खा रहा था वो कबूतर, वो अंडे का छिलका वो भी पड़ा हुआ है, इसका मतलब इन्होंने बच्चे निकाल दिए हुए हैं। यार बेबीज दिखा दो हमें थोड़े से काटियाँ करने पे यार, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बेबीज हैच हो चुके हुए हैं,
वो कितने प्यारे हैं। ये अंडे का छिलका हम निकाल के तरह बाहर फेंक देते हैं। ओहो ये भी अंडे का छिलका बाहर फेंक देते हैं। एक बेबी उठा कर देख लूँ मैं तुम्हारा हैं। हमारे फर्स्ट बेबीज जो हैं वो आ चुके हुए हैं सेटअप पर। माशाल्लाह ओ पोटा भी भरा हुआ है, फीड करवाई हुई है माशाल्लाह से। यार होमर ने तो दोनों बेबीज निकाल लिए हुए हैं। गाइस मैं आपको कह रहा था ना कि इनका टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका हुआ है, तो इसको जो है ना रख देते हैं। ये माँ जो है ना इसको सही गर्म रखेगी वापस अंदर। माशाल्लाह से जो है ना हमारे सेटअप पे फर्स्ट बेबीज जो है ना वो आ चुके हैं। तुम्हारा क्या सीन है होमर? अभी तुम्हारे मुझे पता दिन पड़े हुए हैं, तुम भी यार जल्दी जल्दी बच्चे निकालो। उनके बेबीज तो फुल वाइट निकलेंगे क्योंकि दोनों माँ बाप दोनों वाइट हैं, और उनके ऊपर आप देख सकते हैं येलो येलो बाल हैं और वाइट कलर के बेबीज निकलेंगे। ये तो अच्छी गुड न्यूज़ मिल गई। देखें अंडे के छिलके मैंने उठा के बाहर फेंके तो सारे पिजन जो है ना अंडे के छिलके खाने के लिए आ गए। तो गाइस हम अपने चिकन कूप में वापस आए हैं। वाटर फिल्टर साफ हो चुका है, परे हो जाओ, तुम लोग ही गंदा करते हो, तुम लोगों का उससे कबूल नहीं है। चलो यार मेरे से तो ना डरा करो, मैं तुम्हें क्या कह दूँ। ये देखो अच्छा अच्छा ठीक है। अब तो गाइस अब हम नीचे चलते हैं, थोड़ी देर बाद आएंगे। उम्मीद है तब तक इन्होंने जो है ना फीड वगैरह ख़त्म कर ली होगी और फिर जो है ना हम इनको और फीड जो है वो डाल देंगे। अभी आज जो है वो हम सुबह सुबह सिर्फ पानी चेंज किया दोनों केजेस में और फीड हमने किसी को भी नहीं डाली, तो फीड जो है ना वो दोपहर को डालेंगे आके ऊपर। तो गाइस हम अपने जो है ना चिकन कूप में दाना डालने लगे हैं और जावियार उठ के आ चुका हुआ है सुबह सुबह। जावियार चिकन कूप में, इधर इधर आओ, शू करो इनको, शू करो, शू करो इनको, पीछे करो इनको। चलो भाई दौड़ जाओ अंदर, चलो अंदर चलो। आज ना आज अंदर आज अंदर आज अंदर आज अंदर आज जल्दी। देखें मुर्गियाँ, शिकारी मुर्गियाँ, इसका सारा दाना जो है ना मैंने इधर कर दिया और इधर जो है ना हम ओए नया डाल देते हैं। और हमारे सिल्वर पॉलिश की भी छन्नी मैंने साफ कर दी थी तो वो इनको भी नया दाना डाल देते हैं। अब ये भी इंजॉय कर सकते हैं दाना सारा दिन। इनको यहाँ से मैंने उठा के यहाँ कर दिया, यहाँ देखें आपने तुमने कितना गंद फैलाया हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे यहाँ पे सारा मर्ज हो चुका है ना, यहाँ पे भी मुर्गियाँ फिर फिर के सब मर्ज कर देंगी। क्योंकि देखें ये पुराने वाला दाना कोई नहीं खा रहा, नए वाले दाने पर सारे टूट के पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, इनको पूरे दिन में यही दाना मिलना तो जब मर्जी खाएँ। गाइस दोपहर जो है ना वो हो चुकी है। हमारे सेटअप पे दो तीन दिन से कोई अंडा नहीं आ रहा और मैं पिजन्स का जाके देखा, उन्होंने बाजरा भी जो है ना तकरीबन ख़त्म कर दिया, कुछ दाने ही जो है ना वो बचे हैं बाजरे के। तो अब वो डिज़र्व करते हैं कि जो है ना उनको नई फीड डाली जाए। तो जल्दी से चलते हैं। ये देखें मुर्गियों को देखें, इनकी भी चाबी देखें, ये देखें रेत ही बची है तकरीबन बीच में, बाकी बाजरा तो उन्होंने पूरा खा लिया। और अब देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो पिजन्स हैं वो कितने अच्छे ट्रेंड हैं। अब देखना कैसे सारा खाने खाने के लिए सारे नीचे आते हैं। देखें देखें ये ऊपर बैठे हुए ना, वो भी बैठा हुआ है। ये कुछ पहले ही देखें, होमर का पिजन तो पहले ही आ गया खाना खाने के लिए। ये चेक करें, वो नीचे उतर आया।
वो भी नीचे उतरा है, वो भी नीचे उतरा है। आजो तुम भी आजो नीचे। हीर हीर जाओ नीचे खाना खाओ तुम भी। वो देखे नीचे दाना खाना स्टार्ट हो गए सारे। माशाल्लाह से फुल रश लग गया दाने पे। इसको देखें ये तो, और तुमने उलट के ही गिर जाना पीछे जिस तरह की तुम्हारी हरकत है। जाओ जाके चुप करके दाना खाओ। और ये देखें बजीस का दाना भी जो है ना ऑलमोस्ट फिनिश हुआ हुआ, तो इनको भी जो है ना डाल देते हैं दाना। ये बजीस का दाना ले आए हैं और जावेर ने हमारी ऊपर से आवाज़ सुनी है तो ये भी ऊपर आ गया। अब देखें हमारे पिजन सारे दाना खा रहे हैं, कुछ लड़ भी रहे हैं आपस में कि पीछे हटो पहले मुझे खाने दो। जावेर आपने पिजन्स को जो है ना वो तंग नहीं करना। हाँ पिजन्स को जो है ना खाना खाने दो। ये हम फीड डाल देते हैं हमारे बजीस की। एक ये हम कप डालते हैं और हमारे 18 बजीस हैं और एक दिन हमारा जो है ना इस एक कप के साथ गुजर जाता है। और हमारे पिजन्स को भी ये एक कप ही डलता है एक दिन में, जो इस तरह के दो कप डलते हैं हमारी मुर्गियों का सारी। जावेर जी देखिए जावेर को लेके चिकन कूप में आए हैं तो जावेर जो है वो कह रहा है कि अंडा है, इसका मतलब वो बॉक्स में जो है ना उधर अंडा पड़ा हुआ वो हम उठा लेते हैं। तो देखें हमारी मुर्गियों के लिए मैं स्पेशल फीड लेके आया था जिसमें अंडे के छिलके ब्रेड रोटी है, और एक मुर्गी वहाँ के से उड़ के आई और उसने सीधा झपट्टा मारा इस पर और कुछ जो है ना नीचे गिर गई है जो ये खा रही है फिलहाल। सबर नाम की चीज़ जो है ना इन मुर्गियों में बिल्कुल भी नहीं है। इतनी जो है ना इनको डाल देते हैं, बाकी ये कुछ जो है ना हम अपने पॉलिश को डालते हैं। और यार डरो नहीं तुम, जावेर अंडा है, अंडा है। उई दो दो अंडे गाइस, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हमारी दोनों मुर्गियों ने बॉक्स में अंडे देने स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह मैंने चेक किया था तो कोई भी नहीं था और अब जो है ना दो दो अंडे। ये बेसिकली छोटे वाला अंडा है और ये हमारा जो वाइट बड़ा अंडा आता था वो है। दोनों बॉक्स में दे दिए हैं मुर्गियों ने। यार ये तो अच्छा हो गया कि मुर्गियों ने अंडे बॉक्स में देने स्टार्ट कर दिए इधर उधर देने की बजाय। गाइस वो देखें वो जो होमर की फीमेल बैठी हुई अंदर वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है अपने मुंह से, और ये जो हमारा ब्राउन वाला मुल्तानी शिराजी है ना ये उसके बाहर जाकर उनको तंग करने की कोशिश कर रहा है। और साथ साथ ये जो है ना ये हमारे ब्लैक मुल्तानी शिराजी को ना डांस करके भी दिखा रहा है इस आजकल जिस तरह पहले हमारे सेंटिनल के जो मेल दिखाता था ना डांस, वैसे ये भी डांस करके दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे मुल्तानी शिराजी भी जो है ना इन फ्यूचर इनका भी जोड़ा लग जाए और ये भी कोई घर अपना पसंद कर लें और जो है फिर ये भी अंडे और बच्चे देने स्टार्ट कर दें। तो गाइस आज का जो ब्लॉग था हमारा वो यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये डांस चक्कर है हमारे मुल्तानी शिराजी का, अपनी फीमेल के पीछे पीछे फिर रहा है।